आज हम बात करेंगे ONGC के बारे में। प्रीवियस क्लोज की तरफ आपकी ध्यान जाएगी तो लगभग इसका प्रीवियस क्लोज रहा था आज के पूरे दिन का, वो है 128 का। शुरुआत भी दिन में इसकी लगभग उसी के आसपास से होते हुए हमें नज़र आया, लेकिन पूरे दिन भर में इसने अपने टॉप लाइन को कहीं पे भी नहीं छुआ। देखिए, कहीं पे भी आपको टॉप लाइन छूता हुआ ये शेयर नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए इसने शुरुआत से ही मेडियन बनाने में बिल्कुल सफलता प्राप्त पूरी तरीके से कर ली थी। और इसका मेडियन का कौन सा लाइन था? वो लाइन था 128.50 वाला। आप ध्यान से देखेंगे तो 128.50 का जो नंबर है यही था उसका सबसे पहला वाला मेडियन, और यही उसका आखिरी वाला मेडियन भी साबित हुआ, जहां पे इसमें एक बार डाउनफॉल हमको शार्प ज़रूर नज़र आया। बॉटम लाइन को छूने की पूरी कोशिश हो गई थी, लेकिन रुक के वापस स्ट्रेट करके आगे चला गया। क्यों? क्योंकि यहां से आपको दो बार अपर बॉटम का सपोर्ट मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और यहीं से उसने रेजिस्टेंस भी तैयार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन मार्केट को अच्छी तरीके से इसने कंसोलिडेट किया। वहाँ से 3:15 बजे मैक्सिमम शेयर में हमने आज कमज़ोरी देखी है, गिरावट देखा है मैक्सिमम शेयर्स में, तो इसमें भी वो चपेट में आया। लेकिन ये शेयर बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये फिर से ऊपर जाने वाला है। ONGC कोई साधारण शेयर नहीं है, ये तरक्की करने वालों में से है। अगर ONGC में अगर आपका शॉर्ट टर्म का अगर आप प्लान चल रहा है, इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो 140 का अगर आप टारगेट रखते हैं अगले 1 से 2 महीने के दरमियान, तो बिल्कुल सही नंबर है ये 140 का, जो आपको मिल भी जाएगा। 5 साल की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने आपको कितना दिया है, तो आपको इसने घाटे में रखा है। लगभग 24% डाउन कर रहा है, रिटर्न नहीं दिया है, 24% घट के है। लेकिन फिर भी ONGC में ताकत ज़रूर है। ये आपको आप इसमें कम से कम 230 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं आसानी से, जो 3 साल और 4 साल के बीच में ये टारगेट आपका आसानी से पूरा भी हो जाएगा।